तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं बीटॉक के एक और एपिसोड को। आज भी भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आया है इंडियन फुटबॉल रिलेटेड, तो आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो आज पहला अपडेट आ रहा है मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। तो भाई मुंबई सिटी एफसी ने ऑफिशियली अपने टीम में मोहम्मद नवाज को घोषणा कर दिया है, जो कि भाई लास्ट टाइम एफसी गोवा की तरफ से खेल रहा था, एक गोलकीपर है और सर्जियो रोबर्टो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, उनको पसंद करता है एफसी गोवा के। जब वो हेड कोच था तब मोहम्मद नवाज को ही भाई फर्स्ट चॉइस गोलकीपर उन्होंने रखा था और अब वो मुंबई सिटी एफसी में ले लिया है उनको। लास्ट जो सीजन गया था भाई वहीं से ही हमें पता चल गया था कि मोहम्मद नवाज नेक्स्ट मुंबई सिटी एफसी में शिफ्ट हो रहा है, तब तो भाई कंप्लीट हो चुका था लेकिन ऑफिशियल नहीं हुआ था और अब भाई फाइनली ऑफिशियल भी हो चुका है कि मोहम्मद नवाज नेक्स्ट सीजन एफसी गोवा की तरफ से नहीं खेलेगा, वो खेलने वाला है मुंबई सिटी एफसी के तरफ से। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इंडियन नेशनल टीम को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि 4 अक्टूबर से साफ कप खेलने वाला है मालदीव्स में इंडियन टीम, और भाई वो अब मालदीव्स पहुंच चुका है। आज उनका जर्नी का फोटो रिलीज हुआ है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, ऑलरेडी अभी तक वो पहुंच गया है भाई मालदीव्स। वहां जाकर भाई शायद क्वारंटाइन का कुछ रूल्स उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद वो वहाँ पर अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगा और उसके लिए भाई एक स्पेशल वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी प्रदान करने वाला हूँ सब कप 2021 के बारे में। उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट है मैंने आपको बता दिया कि इंडियन टीम पहुँच चुका है मालदीव्स अपना सब कप खेलने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एससी ईस्ट बंगाल की तरफ से। तो भाई एससी ईस्ट बंगाल ने ऑफिशियली अपना टीम मैनेजर घोषणा कर दिया है, जिनका नाम है भाई मृदुल बनर्जी। इससे पहले भी वो भाई जुड़ा हुआ था और साथ साथ वो कोचिंग स्टाफ को भी भाई यहाँ पर गाइड करने वाला है, उनको असिस्ट करने वाला है, यानी कि जो देख रेख का भाई चीज़ है यहाँ पर सौंपा गया है मृदुल बनर्जी को। और इसके साथ साथ एससी ईस्ट बंगाल के एक विदेशी खिलाड़ी भाई ऑलरेडी इंडिया पहुँच चुका है, फ्रांजो पहुँच चुका है भाई इंडिया गोवा में, वो डायरेक्ट चला गया है क्योंकि वहाँ पर ही टीम इकट्ठा होगा और ट्रेनिंग करेगा, प्रीसीजन करेगा। और भाई फर्स्ट एससी ईस्ट बंगाल का जो विदेशी खिलाड़ी वो आ चुका है इंडिया में। इसके साथ साथ भाई और भी बहुत सारा चीज़ होने वाला है, और भी बहुत सारा विदेशी खिलाड़ी पहुँचेगा इंडिया, उनका कोचिंग स्टाफ आएगा, उसके बाद हमें और भी अपडेट मिलेगा। जब मुझे अपडेट मिलेगा मैं आपको भी बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है चेन्नई एफसी की तरफ से। तो भाई चेन्नई एफसी ने अपना प्रीसीजन स्टार्ट कर दिया है, उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। और इनका जो नया भाई ट्रेनिंग किट है बहुत ही झक्कास लग रहा है मुझे, एक अलग सा यहाँ पर ट्रेनिंग किट आज आपको नज़र आ रहा है, इस सीज़न में नज़र आ रहा है। इससे पहले भाई 2 सीज़न एक ही ट्रेनिंग किट था, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत उन्होंने बदलाव किया और ट्रेनिंग किट भी भाई बहुत ही तगड़ा लग रहा है। और बहुत जल्दी उनका भाई जो होम किट है वो लॉन्च होने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन फाइनली चेन्नई एफसी की तरफ से कुछ नया अपडेट निकल के आया है, उन्होंने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ड्रॉन कप की तरफ से। भाई ड्रॉन कप में कल सेमीफाइनल था मोहम्मदन एफसी वर्सेस बेंगलुरु यूनाइटेड, बहुत ही लंबा खींचा मैच भाई जो फुल टाइम हुआ था, वहाँ पर भाई रिजल्ट नहीं आया था, दोनों ने 2-2 स्कोर किया था, लेकिन बाद में जाकर जब 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आया वहाँ पर रिजल्ट मिल गया था भाई। मोहम्मदन एफसी ने इस एक्स्ट्रा टाइम में 4-2 से मात दिया बेंगलुरु यूनाइटेड को और अब वो भाई पहुँच चुका है ड्रॉन कप 2021 के फाइनल में। और इसके बाद बेंगलुरु एफसी का और एफसी गोवा का एक सेमीफाइनल होने वाला है, जो जीतेगा भाई वो ज्वाइन करेगा मोहम्मदन एफसी को फाइनल में। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई हाइड्रेड स्पोर्ट्स कश्मीर एफसी की तरफ से, जो कि भाई आई लीग क्वालिफायर खेलना था और उसके चलते AIFF को एक बैंक गारंटी सबमिट करना था इस टीम को, लेकिन भाई इन्होंने एक फेक बैंक गारंटी सबमिट किया है AIFF को, वो प्रूव हो चुका है, जिसके चलते भाई वो अब डिसक्वालीफायर हो चुका है आई लीग क्वालिफायर से। एक बहुत ही बड़ा अपडेट था, मैंने सोचा कि आपको ये अपडेट दे देना चाहिए, मैंने आपको दे दिया। और फिलहाल के लिए भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, आज ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड